अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी, जिसके लिए हमें चाहिए कुछ इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने एक बोल में ले लिया है बेसन, यहाँ मैंने एक से डेढ़ नींबू का रस ले लिया है, एक बोल भर के मैंने दही ले लिया है। मेरा दही मीठा था इसलिए मैंने नींबू का रस यहाँ यूज़ कर रही हूँ, जिससे मेरी कढ़ी थोड़ी खट्टी हो जाए। साथ ही में मैंने कुछ मसाले ले लिए, यहाँ मैंने एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टीस्पून हल्दी पाउडर, एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून मैंने यहाँ ले ली है मेथी दाना। आइए देखते हैं हम इसको अब किस तरीके से बनाएंगे। अब यहाँ मैंने एक मिक्सर के जार में दही और बेसन डाल करके उसे ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरीके से, जिससे कि ये दोनों आपस में अच्छी तरीके से मैश हो जाएं। और हम इसको थोड़ा ग्राइंड कर लेंगे, पहले दही और बेसन को डाल करके ग्राइंड करेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर एक बड़ा कॉफ़ी मग भर के इसमें पानी ऐड कर देंगे, जिस तरह की हमें कढ़ी में डालना है, और ये जिस तरीके से आपस में खुल मिल जाए अच्छी तरीके से। और एक बार हम फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम तड़के के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लेंगे। यहाँ मैंने ले ली है राई, थोड़ी सी राई ले ली है मैंने 1 टीस्पून के मुताबिक, और 2 लाल मिर्च ले ली हैं, 2 तेज़ पत्ते ले लिए हैं। और यहाँ हम तड़के के लिए हींग यूज़ करेंगे, यहाँ मैंने गोल्डी की हींग यूज़ की। यहाँ मैंने एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा ऑयल डालकर उसमें 2 हरी मिर्च और साथ में मैंने दाना मेथी डालकर जो कढ़ी का हमने पेस्ट बनाया था, बेसन को शेक किया था, वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही में मैंने जो ये मसाले मेरे पास थे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, मैं सारा ऐड करके इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही में मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दूँगी। अब हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। साथ ही में मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। अगर आप खाते हैं तो आप ऐड करिए, नहीं खाते हैं तो नहीं भी कर सकते। ये देखिएगा दोस्तों, अब मेरी कढ़ी में उबाल आने लगा है, और अब हम इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे। एक बार उबाल आ जाता है तो आपको इसमें चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब गैस की फ्लेम लो करके हम इसको पकने देंगे। आइए देखते हैं हमें कढ़ी के पकौड़े बनाने के लिए किन किन इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। यहाँ मैंने एक बोल बेसन ले लिया है, एक मीडियम साइज की प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरीके से। साथ ही में मैंने कुछ मसाले ले लिए, यहाँ ये मैंने पीली मिर्च का पाउडर ले लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून से थोड़ा कम आप नमक ले लीजिएगा। और साथ ही में हम थोड़ा बेकिंग सोडा ले लेंगे, बहुत छोटी सी स्मॉल क्वांटिटी में लेना। और यहाँ मैंने ये 2 हरी मिर्च ले ली है मीडियम साइज़ की, जिनको कट कर लिया, और थोड़ा सा पानी। अब हम बेसन का घोल तैयार करेंगे। यहाँ मैंने बेसन को एक बॉल में डाल दिया है, और साथ ही में इसमें मैंने जो ग्राइंड की हुई प्याज थी इसको ऐड कर दिया, और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। अगर प्याज हमारी काफ़ी सारा पानी छोड़ती है तो आपको बेसन की जब हम घोल बना रहे होंगे तो उसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको इसी तरीके से भी मिक्स करेंगे तो भी चल सकता है। अब हम इसको मिक्सर की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लेंगे सारे मसाले ऐड करके। बेसन जितना ज़्यादा फेंटता है उतनी ही ज़्यादा पकौड़ी अच्छी बनती है हमारी, इसलिए हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा फेंटेंगे। साथ ही मैं अब इसमें जो हमारा बेकिंग सोडा था हम उसमें वो भी ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए मैं बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ, और हम इसको अब भी फेंटेंगे, हम इसे एक साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है, जिसमें हम पकौड़े बनाएंगे। देखिए हम हल्के हल्के पकौड़े बनाएंगे, आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, मैं स्पून से ही बनाती हूँ हमेशा, आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, स्पून से भी गोल आते हैं, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी इच्छा होती है कि हमें किस तरीके से इसको बनाना है। यहाँ मैं अच्छे तरीके से, देखिए मेरे पकौड़े बन गए हैं, इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। देखिएगा दोस्तों, अब मेरे पकौड़े एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसको दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक। माशाल्लाह सुभानअल्लाह, ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम इसे एक नए दूसरी प्लेट में निकाल देंगे एक एक कर करके,
और अब हम पकौड़े चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा बना है। अब हम इसे कढ़ी में ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने कढ़ी में ऐड कर दिया है पकौड़ों को अच्छे तरीके से। माशाल्लाह से ऑलमोस्ट हमारी कढ़ी जो है वो अब रेडी है पूरी तरीके से। अब हम इसमें छौंका लगाएंगे। अब मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया था, उसमें मैंने ज़ीरा और लाल मिर्च ऐड कर दी, तेज़पात के पत्ते भी ऐड कर दिए हैं साथ ही में, और हम इसे फ्राई कर लेंगे। साथ ही में मैंने इसमें 1 टीस्पून मैं हींग डाल दूँगी और इसको हल्का सा गैस की फ्लेम लो करके हमें फ्राई करना है। याद रखिएगा कभी भी हम छौंका लगाते हैं तो हमेशा गैस की फ्लेम थोड़ी लो होनी चाहिए जब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दें तो। साथ ही में यहाँ मेरे पास जो मस्टर्ड सीड्स थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं, यानी कि राई, और हम इसको फ्राई कर लेंगे हल्का सा। और अब हम इसमें कढ़ी में इसका छौंका लगा देंगे। माशाल्लाह से इसमें छौंका लग गया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कढ़ी रेडी है पूरी तरीके से। अगर दोस्तों आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।